अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। स्टैम्प पेपर्स ख़त्म कर दिए गए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। अब पंजाब भर में स्टैम्प पेपर्स की जो खरीदो फरोख्त है वो नहीं की जाएगी, बल्कि तमाम जो हल्फनामे हैं या जो भी जायदाद की रजिस्ट्री है वो सब अब सादा कागज़ पर होगा। दोस्तों, स्टैम्प पेपर क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और कितनी मालियत के स्टैम्प पेपर्स मार्केट में मौजूद हैं और उन पर क्या क्या चीज़ें रजिस्टर्ड हो सकती हैं, बयान हल्फी वगैरह, डिक्लेरेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एफिडेविट पर ही बनती हैं और इसकी बाकायदा एक कानूनी हैसियत होती है। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्टैम्प पेपर का जो पुराना निज़ाम था उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सिलसिले में काफ़ी करप्शन भी हो रही थी और गवर्नमेंट को अखराजात भी उठाने पड़ रहे थे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। अब इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों को आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि पहली दफ़ा अगर आप आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, स्टैम्प पेपर या स्टाम्प पेपर, इसको अब सादा कागज़ पर प्रिंट किया जाएगा, जिससे सालाना 1 अरब रुपये का गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। कम से कम 100 रुपए की मालियत का स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा या इससे ज़्यादा मालियत का। और ये नए स्टैम्प पेपर वाइट पेपर के ऊपर होंगे और इसके ऊपर 3 तरह के कोड्स होंगे, यानी बिल्कुल सादा पेपर होगा, उसके ऊपर 3 तरह के कोड्स होंगे। एक तो बार कोड होगा, उसके अलावा QR कोड होगा और इसके अलावा एक 16 इंचों का कोड होगा। ये तमाम कोड्स मशीन रीडेबल होंगे। तो इस तरह सादा पेपर को प्रिंट करने पर सिर्फ 1 रुपये लागत आएगी और ये स्टैम्प पेपर आप खिदमत मरकज से ले सकते हैं, देही माल मरकज से ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब से भी ये आसानी अवेलेबल होंगे और पहले मरहले में पतोकी शहर से इनका इजरा किया जाएगा और बाद में से पूरे पंजाब में फैला दिया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने फैसला किया है कि जालसाजी जो है उसको रोका जाए, ख़ासतौर पर ज़मीनों की ख़रीदारी में जो फ्रॉड हो रहा है स्टैम्प पेपर की बुनियाद के ऊपर, उसको रोका जाए। तो एक अच्छा इकदाम भी आप इसे कह सकते हैं। चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं और हो सकता है कि पंजाब भर में कामयाब होने के बाद ये सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में राइज किया जाए। तो बहरहाल, होप फॉर द बेस्ट। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।